हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रेंडी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल में रखा है। यहाँ पर इसकी फोल्ड साइड है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो हमने इसको लंबाई में डबल फोल्ड किया है, अभी हम इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको पूरा फोल्ड कर लेना है। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर ये ओपन साइड है, 4 लेयर्स, और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे, तो यहाँ पर इंची टेप को 7 इंच ऊपर रखना है, क्योंकि 7 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा। उसके बाद हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो रेडी लेंथ है 38 इंच, उसमें से हम 2 इंच माइनस कर लेंगे, क्योंकि नीचे हम एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करेंगे 2 इंच की। तो यहाँ पर लेंथ आई 36 इंच, और यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे पट्टी अटैच करने के लिए। तो लेंथ लेंगे हम 37 इंच की। अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर ओपन साइड से हम आसन लेंगे। तो आसन के लिए हिप को 6 से डिवाइड करना है। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 6 इंच, प्लस उसमें हम 1 इंच लूजिंग ले लेंगे, तो आसन आ गया 7 इंच। तो फॉर्मूला सभी साइज़ के लिए सेम ही रहेगा आसन निकालने के लिए। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। तो सिर्फ सलवार के लिए ही आसन का फॉर्मूला सेम है, प्लाजो के लिए अलग होता है। अब यहाँ से हम आसन की गोलाई का शेप देंगे। अभी हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम है 7 इंच, तो यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें 7-8 इंच एक्स्ट्रा लेना है प्लेट्स के लिए। तो यहाँ से मैं 7 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ प्लेट्स डालने के लिए। अभी इन दोनों पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से सलवार की कटिंग हो गई है। अभी हम इसको साइड में रखेंगे। अभी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो फैब्रिक बचा हुआ है, इसी में से हमारा बेल्ट कट होगा। यहाँ पर इसको बराबर कट कर लेंगे। अभी इसको ओपन करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, यहाँ पे ओपन साइड है इस तरह से, और यहाँ पर फोल्ड साइड है, और यहाँ पर 2 फोल्ड में ये 21 इंच का आया है। तो जितना आपका हिप का साइज़ है, उसमें आपको 5 इंच या 6 इंच लूजिंग लेना है। तो यहाँ पर हिप साइज़ है 36 इंच, उसमें हमने 6 इंच का लूजिंग ले लिया, तो वो आ गया 42 इंच। तो 42 को हम हाफ करेंगे तो वो आ जाता है 21 इंच। तो यहाँ पर ये हमारा 21 इंच है बेल्ट डबल में। तो मतलब ओपन करने के बाद ये 42 इंच का बेल्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी लेंथ है उतनी ही हम रखेंगे। अगर आपका हिप साइज़ ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर जॉइंट लगाना होगा। अभी बेल्ट की जो लेंथ है वो 7 इंच की है रेडी। उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से डोरी डालने के लिए स्पेस रखना है। तो यहाँ पर 9 इंच हम लेंथ लेंगे। और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बेल्ट की कटिंग हो गई है और ये हमारा इतना फैब्रिक बच गया है। अभी इसको ओपन करेंगे। तो ये हमारा 42 इंच लॉन्ग बेल्ट है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें से हमें 2 पार्ट्स उठाने हैं। इस तरह से 2 पार्ट्स को पकड़ना है और इस तरह से इसको ओपन करके रखना है। तो अभी यहाँ पर 2 साइड के आसन हैं, फ्रंट साइड का और बैक साइड का। तो सबसे पहले हमें बैक साइड के आसन को स्टिच करना है। तो किसी भी एक साइड के आसन को हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक साइड के आसन को स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा बैक साइड का आसन है।
अभी इसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे। तो ये बैक साइड का आसन है, तो बैक साइड में हमें एक छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है इस तरह से। तो बैक साइड में ही हमारी एक एक प्लेट आएगी, बाकी सारी प्लेट्स हमारी फ्रंट साइड में आएंगी। तो इस तरह से प्लेट्स डालेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो हमने बैक साइड में प्लेट्स डाल दी है, अभी हमें फ्रंट साइड में प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो हमें फ्रंट की तरफ रखनी है। तो फ्रंट आसन की तरफ हम डायरेक्शन रखते हुए इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। तो एक एक इंच की डिस्टेंस से हमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स में जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा 1 इंच का रहेगा। उसके बाद हमें बेल्ट लेना है और बेल्ट को हम इस तरह से बीच में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर लाइन ड्रा करेंगे। तो ये बेल्ट का सेंटर है, तो यहाँ पर बेल्ट के सेंटर को हमें बैक के आसन से मिलाना है इस तरह से, बैक पार्ट के। और उसके बाद यहाँ पर हमें इसको बराबर करना है प्लेट्स डाल के। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम एक और छोटी प्लेट डाल लेंगे। और अभी देखेंगे तो ये दोनों पार्ट्स यहाँ पर बराबर आ गए हैं। उसके बाद दूसरी जो साइड है इसमें भी हमें सेम इसी तरह से प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर भी प्लेट्स का डायरेक्शन हमें फ्रंट आसन की तरफ ही रखना है इस तरह से, और प्लेट्स डालते जाना है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है सलवार में प्लेट्स डालने का। इससे प्लेट्स डालने में बिगनर्स को बहुत ही ईजी रहेगा। तो देखिए इस तरह से इसको भी बराबर करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम है, तो एक और प्लेट डाल के दोनों पार्ट्स को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए बेल्ट और नीचे वाला पार्ट, दोनों पार्ट्स हमारे बराबर हो गए हैं। अभी यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने प्लेट्स को स्टिच कर लिया है, अभी हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसको सेंटर से सेंटर को मिला लेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को स्टिच कर लिया है, अभी इसको सीधा करेंगे। और अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए बैक का आसन हम ऑलरेडी स्टिच कर चुके हैं, अभी हम फ्रंट का आसन स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर डोरी के लिए हमें जगह छोड़नी है, तो यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच को छोड़ेंगे। उसके बाद फिर से 1 इंच छोड़ना है गैप 1 इंच का, उसके बाद यहाँ से स्टिच करेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। ये जो बीच का 1 इंच का गैप है उसको हमें छोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है, बीच में देखिए 1 इंच का हमने होल रखा है। अभी इसको बीच से पकड़ के हम इस तरह से रखेंगे। अभी इसका बेल्ट हमें फोल्ड करना है, तो ये जो सिलाई है इस तरह से इसको खोलना है, और उसके बाद हम 1/2 इंच का फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच का एक और फोल्ड कर लेंगे और पूरे राउंड में हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इसके अंदर से हमारी डोरी जाएगी। अभी हम इसके बॉटम को रेडी करेंगे। तो बॉटम में हमें प्लेट्स डालनी है। तो देखिए सलवार को हमने सीधा ही रखा है, अभी प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो सीधी साइड में है फ्रंट पार्ट में। तो इसी तरह से हमें बॉटम में भी प्लेट्स की डायरेक्शन आगे की तरफ ही रखनी है इस तरह से, और यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। और इसको हम 14 इंच का रेडी करेंगे, क्योंकि 14 इंच हमारा बॉटम है। और सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लेट्स डाल लेंगे और इसको भी 14 इंच का रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेंगे इंची टेप से।
और बराबर 14 इंच होने तक प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए इसमें हमने 14 इंच तक प्लेट्स डाल दी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में प्लेट्स डाल दी है बॉटम में। अभी बॉटम में हमें पट्टी अटैच करनी है, तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इसकी जो लेंथ है वो 5 इंच की है और इसकी जो विड्थ है वो 14 इंच की है बॉटम के बराबर। और अभी हमने कैनवास की स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 2 इंच, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। हाफ इंच छोड़ के रखना है और अच्छे से प्रेस से चिपका लेना है। तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अभी यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी पट्टी को हमें बॉटम में अटैच करना है, तो बॉटम को हम उल्टा रखेंगे और उल्टी साइड से अटैच करना है और सीधी साइड में पट्टी को फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी पट्टी को सीधी साइड में टर्न करेंगे और अभी इस पट्टी को हमें आगे की तरफ पलट देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से पलटेंगे और ये जो सिलाई हमने लगाई है इसी के ऊपर पट्टी को रखना है और स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम 4-5 सिलाइयाँ लगा के बॉटम को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड का बॉटम रेडी कर लिया है। अभी हमें इसको उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद इसके सेंटर में हमें सिलाई लगा देनी है।